आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक डिलारी स्थित नगला ताहर गांव पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में धर्मेंद्र सिंह इस गांव के प्रधान हैं, जिन्होंने इस गांव को विकास की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस गांव में कुल वोटर संख्या लगभग 1529 है। वहीं सरकार द्वारा आने वाले सभी तरीके के लाभों जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या भी बेहतर दिखाई दी। बात अगर शिक्षा की करें तो यहां पे शिक्षा का स्तर बेहद ही खराब दिखाई दिया। जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं के अंतर्गत लगभग 68 बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में पानी की आपूर्ति कराने के लिए लगभग 40 हैंडपंप लगवाए गए हैं, तो वहीं बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से 60 बिजली के पोल व 5 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवा दिए गए हैं। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो देखा कि ग्राम प्रधान ने गांव में सड़कों को बनवाया है, साथ ही साथ खड़ंजों को सीसी टाइल सड़कों में परिवर्तित भी कराया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गांव में नालियों व नालों का निर्माण भी करा गया है, लेकिन अभी भी सरकार से पैसे की मांग है जिससे उनको बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि गांव में उनके द्वारा शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया है जिससे गांव को शौचमुक्त बनवाया जा सके। साथ ही साथ गांव में होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्रों को सभी तरीके के लाभ मुहैया कराया जा रहा है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से ग्राम प्रधान ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में बारात घर, सरकारी ट्यूबवेल, पंचायत घर, शमशान घाट तथा प्रधानमंत्री आवास गांव में पहुंचाए जाएं, जिससे पात्रों को अधिक से अधिक उनका आवंटन किया जा सके और ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी से दोचार न होना पड़े। धर्मेंद्र सिंह, मैं ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह चौहान और पिंटू चौहान ग्राम पंचायत नगलाता से प्रेजेंट में प्रधान, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विकास करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना भी मेरे से हो सका है सोलर लाइट, हैडपम्प रिपेयरिंग और शौचालय और सीसी निर्माण कार्य मैं ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ, और केंद्र सरकार में राज्य सरकार का जितना भी मेरे को धन मिलता है मैं अधिक से अधिक उसको सही ढंग से लगाने की कोशिश करता हूँ और आगे भी लगाता रहूँगा। और मेरे ग्रामीण बहुत अच्छे हैं, सभी लोगों से बहुत मतलब मिलजुल कर रहते हैं सभी लोग, और मेरा मतलब जो है हर कार्य में मतलब जो है सफल बनाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ चलते हैं।